हेलो फ्रेंड्स सो लेट्स कम टू द एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ पी टी थ्री सिक्सटी फाइव एंड द टॉपिक इन दिस इज़ फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया एज़ यू नो फर्टिलाइज़र्स की अगर बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है उस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स वाली उन्होंने अप्रूव किया है कि हमें इनोवेशन स्कीम्स लानी है फार्मर्स के लिए विद अ टोटल आउटले ऑफ़ रुपीज़ थ्री पॉइंट ज़ीरो लाख करोड़ अब व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द अप्रूव्ड स्कीम्स तो पहले हैं प्रधान प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ तो पीएम प्रणम प्रनम करके एक स्कीम आई है जो कि एनुअल बजट 2023-24 में अनाउंस की गई है जहां पे वो स्टेट्स और यूटीज़ जो है उनको इंसेंटिवाइज़ करेंगे कि ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करिए और केमिकल फर्टिलाइज़र्स को बैलेंस्ड यूज़ करिए इतना नहीं कि आप इतना ज़्यादा यूज़ करें कि बाकी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो सॉइल डिस्टर्ब हो वाटर 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 में जब वो फर्टिलाइज़र्स बह के जाएँ तो हमारा वाटर भी डिस्टर्ब हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बोला है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज़ करें नेक्स्ट है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइजर्स सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो इफेक्ट होता है दैट इज़ लेस और नहीं होता है ठीक है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम गोवर्धन प्लांट्स गोवर्धन प्लांट्स गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्र बायो एग्रो रिसोर्सिस धन अब गोवर्धन की बात करें तो ये टू थाउजेंड एटीन में लॉन्च किया गया था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जहाँ पे जो भी विलेज है उनकी पे फोकस किया जाएगा वेल्थ जनरेट किया जाएगा और एनर्जी जनरेट की जाएगी फ्रॉम द कैटल एंड द ऑर्गेनिक वेस्ट ओके नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ सल्फर कोटेड यूरिया तो यूरिया गोल्ड बोला गया है सल्फर कोटेड यूरिया को क्या बोला गया है यूरिया गोल्ड बोला गया है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है सल्फर की डेफिशिएंसी जो होती है सॉइल में उसको इन्हेंस करने के लिए मतलब उसको कम करने के लिए ये जो है यूरिया गोल्ड यूज़ करिए एंड इनपुट कॉस्ट जो है ये कहीं ना कहीं फार्मर्स की सेव करेगा अब यूरिया गोल्ड की अगर बात करें तो ये मोर एफिशिएंट होता है इकोनॉमिकल होता है कंपेरिटिवली uh, हमारा नीम कोटेड यूरिया से फिर आते हैं यूरिया सब्सिडी स्कीम यूरिया सब्सिडी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एक्सटेंड फिर से तीन साल के लिए कर दिया गया है टिल मार्च 2025 जो हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्शन है यूरिया का उसको मैक्सिमाइज करेगी और सेल्फ सफिशिएंसी हमको लाएगी बाय 2025 ओके सो दिस दीज आर द की हाईलाइट ऑफ़ द अप्रूव्ड स्कीम अब हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो इंडिया का फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है आफ़्टर चाइना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर स की और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर मटेरियल की याद रखेगा इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर मटेरियल की अब फ़र्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द एट कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं आप एट कोर इंडस्ट्रीज़ में जो बाकी की सात आती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कम, कमेंट करेंगे बिकॉज आप लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं मैं देख रही हूँ क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आप लोग लेक्चर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कैसे पी टी प्रलिम्स निकालेंगे बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ें ठीक है दैट्स वाई मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ हाईलाइट करना और फिर उसके बाद खुद पढ़ना फिर आपको पढ़ाना इट्स सर टफ़ जॉब ओके आपको यहाँ से नहीं समझ में आप किसी और चैनल से देखिए बट येस आप एक बार ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कोई भी चीज़ है ठीक है तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द एट कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं यूरिया जो है वो उसमें टू थर्ड ऑफ ओवर फर्टिलाइजर कंजम्पन जितना होता है उसमें आता है और इसमें अगर बात करें तो यूरिया में सबसे ज़्यादा पोटाश जो है वो हमारा इम्पोर्ट्स के थ्रू आता है तो पोटाशियम को हम इम्पोर्ट्स करते हैं फ़र्टिलाइज़र जो है वो तीन चीज़ों में क्लासिफाइड है प्राइमरी फर्टिलाइजर्स सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रो न्यूट्रंट्स प्राइमरी फ़र्टिलाइजर्स जो हैं वो दो टाइप्स में ए, स, मतलब बहुत क्लासीफाइड है फर्दर टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स में जैसे कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स होते हैं फॉस्फेटिक होते हैं पोटाशिक होते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स में आते हैं कैल्शियम मैगनीशियम सल्फर और वाइल्ड माइक्रो न्यूट्रियट्स में अगर बात करें तो आयरन हो गया जिंक हो गया बोरोन और क्लोराइड ये सब हमारे माइक्रो uh, न्यूट्रेंट्स में आते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोरस सेक्टर फॉस्फोरस सेक्टर की बात करें तो सेवरल सर्वेस किए गए रिसर्चर्स ने अभी इंडिकेट किया कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस डिफिशियंसी है इंडिया में और इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ॉस्फोरस को जो है कहीं ना कहीं से मीट करना चाहिए डेफिशियंसी को जो है uh, कम करना चाहिए तो अभी मोर अबाउट न्यूज़ में अगर बात करें तो इंडिया इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फॉस्फोरस का जो कि इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं कैडमियम लेट डिपॉजिट जो है वेस्टर्न अफ्रीका में वहाँ से है. अब फॉस्फेटिक रॉक्स की अगर बात करें तो इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में दो ही जगह प्रोड्यूसड होते हैं दो ही स्टेट्स में राजस्थान एंड मध्य प्रदेश और कुछ डिपॉजिट्स जो हैं वो सेंट्रल पार्ट में भी मिलते हैं जैसे कि इंडिया का ललितपुर ललितपुर उत्तर प्रदेश मसूरी सिंकलाइन और कडप्पा बेसिन जो कि आंध्र प्रदेश में है ओके सो so, कंसर्नस uh, क्या है फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी के क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो हमारे यहाँ है वहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो कैडमियम के साथ मिलता है और कैडमियम क्या है हैवी मेटल है जिसका रिमूव ल जो है बहुत एक्सपेंसिव है तो हम इससे बेटर है कि हम इम्पोर्ट ही कर लें हैंडफुल ऑफ कंट्रीज जैसे मोरक्को वेस्टर्न सहारा चाइना अल्जीरिया जो है वो कंट्री का मोस्ट ऑफ़ द रिजर्व जो है फॉस्फोरस का वो खुद कंट्रोल करते हैं जो कि मेजर जियो पोलिटिकल कंसर्न है अब हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ फॉस्फोरस के तो मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस जो है वाटर बॉडीज़ में जाता है एज एन एग्रीकल्चर रन ऑफ और हमारे जितने भी वाटर uh, बॉडीज़ में जितने भी सी वीड्स हैं जितने भी हमारे वाटर uh, में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको इफेक्ट करते हैं और एल्गल ब्लूम्स जो है वो बढ़ जाते हैं एल्गल ब्लूम्स मतलब जो ग्रीन ग्रीन ऊपर बढ़ जाता है उसके कारण जो है नीचे के जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जितने भी हमारे श्रम्स हैं फिश हैं उनको जो है सनलाइट नहीं मिलती तो उनका दम घुटता और वो भी खत्म हो जाते तो एल्गल ब्लूम्स बढ़ने के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं फिर कैडमियम लेटिन फर्टिलाइज़र्स जो है वो सॉइल में अप्लाई किया जाता है जो कि क्रॉप्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे जो है क्रॉप्स एब्जॉर्ब करते हैं फिर वही क्रॉप्स हम लोग खाते हैं तो बायो एक्यूमिलेशन है जिसके कारण हार्ट डिसीज जो है ह्यूमन्स में वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉस्फोरस नेक्स्ट कैसे हम फॉस्फोरस की पॉसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं पहली चीज हमको केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करना चाहिए थ्रू प्रिसीशन एग्रीकल्चर प्रशीशन एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब है टेक्नोलॉजी वगैरह हम यूज करके जो एग्रीकल्चर जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट इज प्रसिशन एग्रीकल्चर लो इनपुट एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस में हमको जाना चाहिए और अर्बन सीवेज माइनिंग जो है उस उसको माइन uh, करना चाहिए टू प्रोड्यूस फॉस्फोरस तो दीज दिस इज ऑल अबाउट द फॉस्फोरस सेक्टर नेक्स्ट आते हैं माइनर इरीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी रिसेंटली सिक्स्थ सेंसस रिपोर्ट निकाली है ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स पहली सेंसस जो थी वो 1986-87 में पब्लिश की गई थी और मतलब निकाली गई थी रेफरेंस ईयर बट पब्लिश 1993 में की गई थी और अभी जो है वो सिक्स सेंसस रिपोर्ट है माइनर इरीगेशन स्कीम्स में अब आपको पता है इरीगेशन की बात करें तो वो तीन टाइप के होते हैं मेजर मीडियम एंड माइनर इरीगेशन मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जहाँ पर कल्टिवेबल कमांड एरिया जहाँ पर हम कल्टिवेशन करते हैं एरिया में वहां पे मोर देन टेन थाउजेंड हेक्टर्स हो तो वो मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं कल्टिवेबल कमांड एरिया का सिंपल मतलब है जो एरिया फिजिकली इरीगेट किया जा रहा हो फ्रॉम अ स्कीम और इज फिट फॉर कल्टिवेशन ठीक है नेक्स्ट आते हैं मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट जहाँ पे लेस देन टेन थाउजेंड हेक्टर्स हो बट मोर देन टू थाउजेंड हेक्टर्स हो तो वो मेजर मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं माइनर इरीगेशन जहाँ पे लेस देन टू थाउजेंड हेक्टर्स जो है आ, या टू थाउजेंड हेक्टर्स तक हो तो वो माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट में आते हैं अब सोर्सेज की बात करें तो माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है वो बोथ सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों से सोर्स किया जा सकता है सरफेस वाटर से भी हम इरीगेट कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर से भी इरीगेट कर सकते हैं वाइट मेजर और मीडियम जो है वो सिर्फ सरफेस वाटर के रिसोर्सेज को ही करते हैं अब माइनर इरीगेशन ऑब्विस्टली स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह इसको करती है एंड स्टेट स्टेट के पास एक स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी होती हैं अब कैटेगरीज ऑफ माइनर इरीगेशन स्कीम्स की बात करें तो ग्राउंड वाटर स्कीम्स में कौन कौन सी आती हैं जैसे डग वेल्स बोर वेल्स शेलो ट्यूब वेल्स मीडियम ट्यूब वेल्स डीप ट्यूब वेल्स फ्लो में आते हैं डैम्स वगैरह बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स डेम्स वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो ये सारी चीज़ें सर्फिस फ्लो स्कीम्स में आती हैं अब रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्ट्रेटिटिक्स तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम लॉन्च की गई 1987-88 में फिर ये किसका पार्ट बन गए सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बन गए और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीज़ों को मिला के और एक रिलायबल डेटाबेस बनाना है इन माइनर इरीगेशन सेक्टर के लिए इफेक्टिव प्लानिंग उसकी इफेक्टिव प्लानिंग के लिए अब वाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द

फाइव डिस्ट्रिक्ट में आती हैं नाइन्टी फोर पॉइंट एट परसेंट माइनर इरीगेशन स्कीम्स ग्राउंड वाटर बेस्ड है और फाइव पॉइंट टू जो है वो सर्फेस वाटर बेस्ड है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइनर इरीगेशन स्कीम्स चलती हैं याद रखेगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइनर इरीगेशन स्कीम्स चलती हैं फॉलोड बाई महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु डगवेल से जो है हाइस्ट शेयर आता है माइनर इरीगेशन स्कीम्स का फॉलोड बाई ट्यूबवेल्स मीडियम वेल्स एंड डीप ट्यूबवेल्स अब 1.4 टू मिलियन जो है माइनर इरिगेशन स्कीम्स में इंक्रीज हुआ है ऑनरशिप जो है माइनर इरिगेशन स्कीम्स का तो 96.6 परसेंट जो है प्राइवेटली ओन्ड है और 3.4 परसेंट पब्लिकली ओन्ड है आउट ऑफ ऑल अगर बात करें तो 18.1 जो है वो हमारी विमेन ओन करती हैं अब यूसेज ऑफ स्कीम्स तो नाइन्टी सेवन ऑफ़ द इरीगेशन स्कीम्स जो है वो यूज़ में है सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ इतना याद रहा कि माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दिया ओके okay? नेक्स्ट आते हैं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड तो रिसेंटली भारतीय ब्रिज सहकारी समिति लिमिटेड इस्टेब्लिश की गई है 2023 में जहाँ पे सर्टिफाइड और साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड जो सीड्स हैं वो हर फार्मर्स हर फार्मर्स को पहुँचाए जाएंगे सर्टिफाइड मतलब जो किसी ना किसी एजेंसी से हमने सर्टिफाई किया हो और वो जो है उसमें सर्टिफिकेशन देने का मतलब है कि वो हमारी चीज़ों को हार्म नहीं कर रहे हैं ये जो है कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएंगे और ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ जो है कंज्यूमर्स के उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो सर्टिफाइड सीड्स उन्हें ही दी जाती है एंड प्रिपेयर साइंटिफिकली प्रिपेयर सीड्स टू एवरी फार्मर्स इन द कंट्री अब बीबीसीएल जो है uh, बीबीएल BBA... एस जो है दो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ये स्टैब्लिश हुई है अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2002 मैंने पॉलिटी पढ़ा दी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है हमने बताया कि जब बहुत सारे स्टेट्स जब दो चार स्टेट्स का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो तो वो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बनाती है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटि सोसाइटीज़ कौन रेगुलेट करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कॉपरेटिव सोसाइटी जो है वो कौन से लिस्ट में आता है तीन लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कौन लिस्ट तो ये तीन इन तीनों में से कौन सी लिस्ट में आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए ये आ, अब बी बी एस एस एल की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन है उसमें हमको हेल्प करेंगी प्रमोशन और उनके रिसर्च में अब ट्रेडिशनल सीड्स का मतलब सिंपल होता है वो कंजर्व और पास्ट होती है कमिंग जनरेशन में कि प्रोडक्शन जो है हेल्दी ग्रेन्स का वो बढ़ता रहे अब ये जॉइंटली कौन प्रमोट कर रहे हैं याद रखेगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ठीक है तो ये एजेंसीज जो हैं इनको प्रमोट कर रही हैं और जो भारतीय बीज Uh, सहकारी uh, समिति लिमिटेड जो है ये एक uh, और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिल के जो है फार्मर्स की वेलफेयर के बारे में प्रमोट करेंगी उसको इंश्योर करेंगी सो दिस इज ऑल अबाउट भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड नेक्स्ट आते हैं सीड सर्टिफिकेशन सीड सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी एक साथ स्कीम लॉन्च किया, किया है साथ पोर्टल लॉन्च किया है सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल ओके अब वॉट इज़ द इश्यूज क्या क्या इश्यूज है क्यों लॉन्च किया है सीट सर्टिफिकेशन स्कीम पोर्टल तो इश्यूज क्या है सीट सर्टिफिकेशन से रिलेटेड तो सबसे पहले सर्टिफाइड सीट्स की जो डिमांड है उसमें बहुत अनप्रडिक्टेबल है मतलब ऐसा नहीं है कि प्रडिक्टेबल है कि सर्टिफाइड सीट्स की डिमांड करेंगे जब फार्मर्स को सर्टिफाइड सीट्स नहीं मिलता तो वो अनसर्टिफाइड सीट्स भी हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं तो डिमांड जो है सर्टिफाइड सीट्स की वो हमको नहीं पता दूसरी चीज़ शॉर्ट सेल्फ़ लाइफ होती है जितने भी सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं वो सिर्फ़ एक सीजन के लिए आप ग्रो कर सकते हो दूसरे सीजन के लिए आपको दूसरे सर्टिफाइड सीड्स लेने पड़ेंगे और उसके लिए इनकम ज़्यादा लगती है तो फार्मर्स जो है ये यूज़ नहीं करते सर्टिफाइड सीड्स तो शेल्फ़ लाइफ कम होने के कारण सर्टिफाइड सीड्स जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होते दूसरी चीज़ लैक ऑफ इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग टू कंट्रोल सीड क्वालिटी ऑब्वियसली इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है जो सीड की क्वालिटी को हमको बताएं लैक ऑफ एक्सेस टू सर्टिफाइड सीट्स क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स बहुत ज़्यादा है अब मोर ऑन न्यूज में बात करें तो ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह जाके आपको मिलेगा ये डिज़ाइन किया है कि जितना भी सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड चैलेंज है उनकी क्वालिटी से रिलेटेड चैलेंज है आइडेंटिफिकेशन से और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी चैलेंज है उन सबको हमको कम करना है और उन्हीं से हमको डील करना है अब सीड ऑथेंटिसिटी की बात करें वो ट्रेस किसके थ्रू किया जाएगा इस पोर्टल के अंदर क्यू कोड के सिस्टम के थ्रू अब पोर्टल जो है वो डेवलप किसने किया है नेशनल

वो लाइसेंस्ड वैलिड लाइसेंस डीलर है वो सीड्स प्रोवाइड करेंगे और फार्मर्स हु विल रिसीव सब्सिडी थ्रू डीबीटी फार्मर्स को जो है सब्सिडी मिलेगी थ्रू डीबीटी डायरेक्टली इनटू टू प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट्स ओके तो सीड्स जो है जिनको सीड्स जो जिन सीड्स को सर्टिफिकेशन मिल गया है वो ल्ड किसके द्वारा किए जाएंगे सिर्फ वैलिड लाइसेंस डीलर के द्वारा शो, शो दिए जाएंगे किनको दिए जाएंगे सेंट्रली रजिस्टर्ड जो फार्मर्स है जो हमारे डीबीटी के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं सब्सिडी रिसीव कर रहे हैं उनको ओके okay? नेक्स्ट आते हैं इन इंडिया अगर बात करें तो लीगल स्टेटस जो है सीड सर्टिफिकेशन को वो अनैक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट नाइनटीन के अंदर दिया गया है अब सीड सर्टिफिकेशन जो है वो वॉलेंट्री है ऐसा जरूरी नहीं है कंपल्सरी नहीं है कि देना ही है बट लेबलिंग जो है कंपल्सरी है इंडिया में अब इंडिया ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश किया अंडर द पी पी वी वी एन एफ आर एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की जो भी क्वालिटी सीड्स हैं और प्लांटिंग मटीरियल हैं वो फार्मर्स को अवेल करवाएं ईजिली ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सीड सर्टिफिकेशन स्कीम पोर्टल नेक्स्ट आते हैं फ़ूड स्टोरेज इन इंडिया अब फूड स्टोरेज की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में जो है फ़ूड शॉर्टेज बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज लोगों के पास uh, जो है ये नहीं है कि फ़ूड ख़रीद पाए इतने अच्छे से तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है ठीक है तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी को फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर अब एम इसका यही है कि हमको फूड सिक्योरिटी मैनेज करना है रिड्यूस करना है वेस्टेज और एम्पावर करना है फार्मर्स को कि आप जो है अपना खुद का गोडाउन और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए एट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ लेवल अब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती हैं ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं जो कि लिंक हमको बना लिंक बताती हैं इन थ्री टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर हेडेड बाई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द स्टेट लेवल अब पी जो है वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग में इन्वॉल्व रहती हैं और जिसको हम क्रॉप बोलते हैं एग्रीकल्चरल मतलब है, है, फैसिलिटीज़ को बढ़ाइए इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली टाइमली और यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन प्लान का करना है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है वो इंप्लीमेंट करेगी पायलट प्रोजेक्ट इन टेन सेलेक्टेड स्टेट्स कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम्स बहुत सारी स्कम्स अंदर कन्वर्ज की गई है जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की कुछ कुछ स्कीम्स है जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कुछ स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओके सो दीज आर द स्कीम्स ये इसके अंदर कन्वर्ज की गई है अब फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो टोटल तो प्रोडक्शन इंडिया का थ्री मिलियन टनस है ओवर टू फॉर द लास्ट टू ईय अब फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट दो टाइप से हो सकता है पहला सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ़ूड ग्रेन को प्रोक्योर करती है इधर बाय देयर इधर बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज भी फू, जो है एफ से स्टॉक लेती हैं दूसरा है डी प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो कि नाइनटीन नाइनटी में इंट्रोड्यूस किया है जो कि जहाँ पर फूड ग्रेन जो है प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है ना कि एफ FCI करती है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रेन्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट FCI के थ्रू क्या करती है उनके पास FCI के थ्रू उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोक्योरमेंट स्टोरेज st और ट्रांसपोर्टेशन और बल्क एलोकेशन जो है फूड ग्रेन्स का वो स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट को दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है एफ के थ्रू फूड को आ, डायरेक्टली प्रोक्योर करती है और उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है नेक्स्ट ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें जैसे कि एलोकेशन जो है स्टेट के अंदर एलिजिबल फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं राशन कार्ड किसको देना है सुपरविजन किसको करना है प्राइस शॉप्स ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट की आती है तो याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट की आ, बाकी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है अब सस्टेंड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन uh, है वो हमारा uh, जो है बहुत ज़्यादा uh, जो है फ्लक्चुएट होता रहा है ऐसा नहीं है कि ग्रो ही हुआ है पल्सेस का प्रोडक्शन भी हमारा फ्लक्चुएट होता रहा है एंड टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी फ्लक्चुएट होता रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है फ़्लक्चुएशन में रहा है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा फूड uh, ग्रेन uh, जो हमारा स्टोरेज प्रोक्योर होता है नेक्स्ट आते हैं मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने अभी एस्टिमेट किया कि हमको जो है इन्फ्लेशन को ख़त्म करना है बाई कैसे खत्म करेंगे कि बैन करना है जितने भी सीरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स क्योंकि क्या होता है एक्सपोर्ट में अगर फार्मर्स ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में जो है आ, आ, खाने के लिए कम पड़ रहा है जिसके कारण जो है डिमांड तो उतनी ही है डिमांड तो उतनी है तो फूड सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि लोग प्राइस में वही सीर जो है जो पहले एक सौ के मिल रहे थे अब वो जो है एक सौ के मिल रहे हैं तो इसलिए जो है इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए अभी जो है बहुत गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो सीरल एक्सपोर्ट को बैन करेंगे जिसके कारण फार्मर को लॉस बहुत हो रहा है जैसे कि फोर्टी करोड़ जो है फार्मर को लॉस होगा इन टू अब मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो कर्व फूड इनफ्लेशन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं फूड कमोडिटीज पे और एक्सपोर्ट टैक्सेस जो है इंपोज किए हैं सप्लाई को बूस्ट करने के लिए इंडिया में ठीक है जिसके कारण फार्मर्स की इनकम कम हो गई है गवर्नमेंट ने अपना खुद का स्टॉक जो है ग्रेन का उसको भी आ, बाहर निकाला है लोअर प्राइस देन द दे मार्केट प्राइस जिसके कारण पोटेंशियल लॉस जो है फार्मर्स को वो रुपीज़ फाइव फोर्टी एट पर क्विंटल हो रहा है अब इन्फ्लेशन मेजरमेंट इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में तीन चार प्रकार के इन्फ्लेशन मेजरमेंट है पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम यहाँ पर इन्हीं दोनों की बात करेंगे अब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो होलसेल लेवल पर जो है प्राइजेस बताते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है रिटेल लेवल पे जो है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं अब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है सिर्फ गुड्स कवर करते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कवर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो फूड एंड बेवरेजेस को दिया गया है बट होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर मैन्यूफेक्चरर्स को जो है ज़्यादा वेटेज दिया गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो रिलीज करते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एनएसओ रिलीज करती है जो कि मॉस्पी के अंदर आती है ओके okay? अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है फिर फिर जो है मिसलिनियस को है फिर उसके बाद हमारा हाउसिंग है फिर फ्यूल एंड लाइट है फिर क्लॉथिंग एंड फुटवेयर है फिर पैन टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स है तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट जो हमारे इंडेक्सेस हैं जो हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं अब फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो सिक्स है और फूड इन्फ्लेशन नाइन है इन अगस्त टू मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन है फूड इन्फ्लेशन के तो टोमेटो अनियन एंड सीरल्स वीट इन्फ्लेशन जो है वो डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू लाइक हीट वेव्स अनसीजनल रेन्स रशिया यूक्रेन वॉर अब फैक्टर्स जो हमारे इंडिया के फूड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म मॉनसून वेरिएबिलिटी ऑब्वियसली पानी नहीं जहां चाहिए वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसके कारण फूड भी फूड और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसके कारण हमारा फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण जैसे कि एम देते हैं एम क्या है वो कुछ क्रॉप्स के लिए देते हैं कुछ के लिए नहीं देते तो जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो वही क्रॉप्स खरीदते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी लाइक शॉर्टेज एंड स्टोरेज वगैरह नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सिस्टम्स नहीं है तो इसके कारण भी जो है फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिसीज़ Uh, के कारण हमारा बहुत सारा फूड जो है वेस्ट हो जाता है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अब मैकेनिज्म क्या क्या है प्राइस कंट्रोल करने के लिए और प्राइस मॉनिटर करने के लिए तो सबसे पहला है प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है जो कि हमारे असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस को मॉनिटर करते हैं ये हमारी प्राइस सिचुएशन एनालाइज़ करते हैं और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि अगर इस क्रॉप का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको ये अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए दूसरी चीज कमो कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी निकालते हैं और सेंटर ने टारगेट किया कि अराउंड 750 प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे जो कि 22 एसेंशियल कमोडिटीज को देखेगी अब वॉट आर द 22 एसेंशियल कमोडिटीज़ फूड ग्रेन्स में राइस व्हीट आटा आते हैं पल्सेस में ग्राम तुअर उरड मूंग मसूर आते हैं एडिबल ऑयल्स में ग्राउंड नट मस्टर्ड ऑयल वनस्पति सोया ऑयल सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल वेजिटेबल्स में पोटैटो ऑनियन एंड टमाटो एंड अदर आइटम्स में शुगर गुड़ मिल्क टी एंड सॉल्ट तो दीज आर द ट्वेंटी टू असेंशियल कमोडिटीज़ नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड कॉमर्स ये सारी चीज़ें जो है फूड ग्रेन की कंट्रोल करती है कुछ कमोडिटीज़ की और वहाँ पर स्टॉक लिमिट भी जो है लगाती है ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस जो है वो रेगुलेट कर पाएँ एंड अवेलेबलिटी रहे हमारे मार्केट में नेक्स्ट हैं अदर मेजर्स क्या क्या लिए हैं फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन लाया गया जो कि ऑपरेशन फ्लड के लाइन पे लॉन्च किया गया कि जितने भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे प्राइस स्टेबलाइजेशन की तरफ वर्क करें फैसिलिटीज प्रोवाइड करें और मार्केट इंटेलिजेंस यूज करें टू तो प्रिवेंट लोकलाइज ग्लट्स फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया गया जो कि वॉल है जितनी भी हमारे मार्केट में उसके प्राइज़ को रेगुलेट करें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए डायरेक्ट सपोर्ट फार्मर्स को दिया गया जैसे कि एम इनकम सपोर्ट और सप्लाई साइड मेजर्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए सो दीज आर द थिंग्स जो की गई हमारी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओके okay? नेक्स्ट आते हैं एक्वाकल्चर सेक्टर एक्वाकल्चर सेक्टर का सिंबल मतलब है जो फिशरीज सेक्टर्स होते हैं वोड्स की बात कर रहे हैं तो अभी पार्लियामेंट ने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2023 पास किया है एन एक्ट किया है अब सबसे पहले इंडिया के फिशरीज सेक्टर की बात कर ले तो इंडिया जो है फर्स्ट है इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन में सेकेंड है एक्वाकल्चर फिट फिश प्रोडक्शन में थर्ड है ओवरऑल फ़िश प्रोडक्शन में और फोर्थ इन एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड फिशरीज़ प्रोडक्ट अब मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो एक्ट ने कुछ प्रोविजंस जो है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट जो था 2005 का उसको अमेंड किया है और डीक्रिमिनलाइज किए हैं कुछ ऑफेंसेज को अब टू का जो एक्ट था वो स्टेब्लिश किया था कोस्ट उन्होंने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी इस्टैब्लिश की थी जो भी कोस्टल एक्वाकल्चर है उसको रेगुलेट करने के लिए और ये कहीं ना कहीं एज ऑफ इन बिजनेस को प्रमोट करेंगे और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो है उनको भी प्रमोट करेंगे फॉर द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अब एक्वाकल्चर होता क्या है एक्वाकल्चर सिंपल मतलब है जो हमारी फिश है सीविड है और अदर एक्विटी स्पीशीज हैं उनकी फार्मिंग को रेगुलेट करना दैट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर अब कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें हम देख लेते हैं तो फॉर एग्जांपल सम्मर्ज केजेस और नेट पेंस बनाए जाते हैं देख सकते हैं आप ऐसे करके नेट पेंस बनाए जाते हैं उसमें सिंपल मतलब कि जितने भी सम्मर्ज केजेस एंड नेट पेंस हैं वो फार्म फिनफिश जो होते हैं ओशन में उनको कलेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं नेक्स्ट ऐसे करके कुछ लाइन्स बनाई जाती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन और उससे तो लाइन्स जो है हमारी सी को फार्म करने के लिए और बाइवेल्स लाइक मसल्स इन द ओशन उनको जो है यूज़ uh, करने के लिए बनाए जाते हैं बॉटम कल्चर बनाया जाता है बॉटम कल्चर भी फार्म सीविड्स को बाय्बस को ओएस्टर्स को शैलो कोस्टल एरियाज में फार्म uh, करने के लिए बनाया जाता है फिर पॉइंट्स और टैंक्स भी बनाए जाते हैं टू फॉर्म फिन फिश एंड श्राइम ऑन द लैंड और इन द कोस्टल और फ्रेश वाटर एरियाज ओके नेक्स्ट आते हैं वॉट इज द की प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले कोस्टल एक्वाकल्चर तो इस एक्ट ने जो है कोस्टल एक्वाकल्चर को डिफाइन किया है कि होता क्या है कोस्टल एक्वा कल्चर का सिंपल मतलब होता है कि जो भी आ, फिश फिशेस की स्टेजेस है हो गए और अदर लाइफ हो गए उनका रियरिंग और उनको रियरिंगल्टिवेट करना कंट्रोल्ड कंडीशन में इधर या तो इंडोर करिए या आउटडोर करिए इन इनसेलाइन या फिर ब्रैकिश वाटर में करिए बट उनका रियरिंग और कल्टिवेशन जो है किसी भी चीज का एक्विटिक लाइफ का अंडर द कंट्रोल कंडीशन में करना इट ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड स्टॉक सीड ग्रो आउट बट ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को इंक्लूड क्लूड नहीं करते क्योंकि उनको फ्रेश वाटर में ही रखना पड़ता है वो खत्म हो जाएंगे स्कोप की अगर बात करें तो इन्होंने जो हमारी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी उसकी जो पावर है उसको एक्सटेंड किया है बियॉन्ड कोस्टल एक्वाकल्चर फॉर्म जितने भी वर्टिकल्स हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कोस्टल एक्वाकल्चर के लिए उन सब से रिलेटेड जो है आ, ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ अलाइट कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ तो जो भी आ, हमारे कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ हैं एक्ट uh, के अंदर अगर हम जो भी करेंगे तो वो प्रोहिबिट करती एक्ट जो है मना करता है कि कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नो डेवलपमेंट जोन्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के अंदर नहीं कर सकते बट कुछ समाइड बट कुछ जो है अलाइड एक्टिविटीज़ है लाइक सीवीट कल्चर न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स वो जो है एग्जेम्प्टेड है इससे वो आप कर सकते हो नेक्स्ट आते हैं चेंजेस इन कोस्टल एग्रीकल एक्वाकल्चर अथॉरिटी तो कंपोजिशन जो है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का तो एक्ट ने अभी रिप्रेजेंटेटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से भी बोला है कि यहाँ के भी मेम्बर होने चाहिए स्कोप जो है इंक्रीज़ की है उन्होंने बोला है कि कोई भी फैसिलिटी जो कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड है या अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड है वो इनकी पावर होगी उससे रिलेटेड वो रेगुलेट कर सकते हैं एक्सपैंडेड फंक्शन की बात करें तो अथॉरिटी को ये भी पावर दी है कि वो कोस्टल एक्वाकल्चर इनपुट और एक्वाकल्चर यूनिट और फिक्स एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जो है उनको भी बना सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करें तो एक्ट ने प्रोविजन imp जो है उसको हटा के मॉनिटरी और अदर पेनालिटीज रख दी हैं एडुडिगेशन एंड अपील्स की बात करें तो अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया है कि वो एक ऑफिसर अपॉइंट करे ऑफ एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जो पेनालिटीज को एडजुडिकेट करे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्कल्चर जो भी हमारा एक्ट बना है नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री और डेयरिंग के अंदर आती है उन्होंने पहला क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाला है फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर अब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उन्होंने क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है जो कि 750 करोड़ का है जो हमको क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 परसेंट ऑफ़ द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू एमएसएमई सेक्टर्स इसका एम यही है कि क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम जो है और स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है एम सेक्टर तक पहुँचाना जो लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं और ये जो है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर आता है अब एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करें तो यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज के अंदर लॉन्च की गई और इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे कि इंडिविजुअल एंटरप्रीनोर्स हो गए प्राइवेट कंपनीज एमएसएमई फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे टू स्टेब्लिश डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमल फीड प्लांट Breed improvement technology, breed multi multiplication farm, setting of veterinary and drug production facilities, and animal waste to wealth management. ओके सो दीज आर द थिंग्स जिसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के अंदर अगर बात करें तो इंटरेस्ट सबवेंशन तीन परसेंट का मिलेगा और लोन जो है नाइन्टी परसेंट मिलेगा अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और एन डी नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन तो बोला गया है कि जितने भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना भी है उसका नाइन्टी परसेंट जो है आपको लोन मिल जाएगा और इंटरेस्ट सबवेंशन भी उस पर तीन परसेंट का मिलेगा अब लाइफ स्टॉक सेक्टर की अगर बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और ट्वेंटी लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था जहाँ पे टोटल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 4.8 परसेंट अब टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो डेयरी फार्मिंग आता है डेयरी फार्मिंग में हमारे डेयरी एनिमल्स आते हैं जैसे कि काऊ बफेलो शीप गोड्स पोल्ट्री फार्मिंग होता है जिसमें बर्ड्स आते हैं फ़िश फार्मिंग फिश फार्मिंग होता है फिर बी कीपिंग होता है जिसमें एप्रीकल्चर वगैरह आते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एनिमल हस्बैंड्री हमारा क्या है स्टेट सब्जेक्ट है अब आते हैं बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टेटिक्स की पद्म विभूषण बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बनाना है वर्ल्ड में तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर आता है और यहां पर ग्रोथ स्टेटस की अगर बात करें तो ट्वेंटी से इंक्रीज हुआ है और उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन में उसके बाद राजस्थान देन मध्य प्रदेश एंड गुजरात एग प्रोडक्शन जो है उसको सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं तो याद रखिएगा एग प्रोडक्शन को सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं यहाँ पे इंक्रीज़ जो है 33.31 परसेंट से हुआ है और आंध्र प्रदेश जो है एग प्रोडक्शन में हाइस्ट है तमिलनाडु तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल फिर मीट प्रोडक्शन को पिंक रिवॉल्यूशन बोला जाता है जहाँ पर ट्वेंटी इंक्रीज़ हुआ है उत्तर प्रदेश हाइएस्ट है वुल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है बाई सिक्सटीन से और राजस्थान यहाँ पे फर्स्ट है और जम्मू कश्मीर उसके बाद जम्मू कश्मीर सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमोडिटी उनका ग्रोथ स्टेटस एंड मेजर कंट्रीब्यूशन अब इश्यूज क्या क्या है लाइफ स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड तो पहला है लो प्रोडक्टिविटी तो एवरेज एनुअल मिल्क की अगर बात करें इंडियन कैटल के थ्रू तो 1172 kg है जो कि सिर्फ ऑफ द ग्लोबल एवरेज है शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉर्डर इंडिया जो है टू पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द लैंड एरिया जो है सिर्फ नियरली टेन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ ग्लोबल लाइफ स्टॉक को मेंटेन करते हैं एनिमल हेल्थ की बात करें तो बहुत सारी एक्सॉटिक डिसीज हो जाती है जिसके कारण एनिमल खत्म हो जाते हैं सब ऑप्टिमल स्टेट सपोर्ट की बात करें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है ओनली ट्वेल्व परसेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर रिसीव करता है एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर मार्केटिंग प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन तो बहुत सारा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ एबसेंट है लाइफ स्टॉक एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण सीरियस इफेक्ट हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट स्ट्रेस हो रहा है एनिवेक्टर वोन डिसीजेज हो रही हैं तो इसके कारण जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर हमारा सही नहीं चल रहा है ओके okay. नेक्स्ट आते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नोटिफाई किया है कि वो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है इस्टेब्लिश करेंगे इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड का सिंपल मतलब आपने हल्दी हल्दी होता है टर्मरिक का मतलब तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है इस्टेब्लिश करेंगे और ये हमको अवेयरनेस बताएंगे और कंजम्पशन जो है टर्मरिक का उसको उसको इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि टर्मरिक के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं बिकॉज ये एंटीसेप्टिक होता है आपने पढ़ा होगा कि टर्मरिक जब भी कहीं हमको लग जाते तो होता है और टर्मरिक का बढ़ाएंगे क्योंकि टर्मरिक के हेल्थ हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है तो प्रपोज बोर्ड जो है वो वर्क करेगी अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौम, अब कंपोजिशन क्या होगा बोर्ड का चेयरपर्सन होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट होंगे टू द बोर्ड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री चार मेंबर्स होंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एग्रीकल्चर आयुष और फार्मास्यूटिकल को रिप्रेजेंट करेंगे और मेंबर जो है नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन से भी होंगे जो कि रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टर्मरिक फार्मर्स के एंड एक्सपोर्टर हैं अमंग द फार्मर्स अब की ऑब्जेक्टिव क्या है बोर्ड का तो ऑब्वियसली डिमांड क्रिएट करना है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में टर्मरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है कि जो भी एक्सपोर्ट है टर्मरिक का वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करना है और एनकरेज करना है स्टडीज क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च ऑन मेडिसिनल हेल्थ एंड वेलनेस एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द टर्मरिक सो दिस इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आते हैं नाबार्ड तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो नाबार्ड ने अभी सक्सेसफुली वन uh, थाउजेंड फोर्टी वन करोड़ जो है रेस किया है फ्रॉम द सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वॉट इज़ सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक इनोवेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जहाँ पे गवर्नमेंट्स जो है वो एग्रीमेंट्स में आती हैं सोशल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जैसे कि एन जी ओज हो गए इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ एग्रीमेंट बनाती है कि वो जो है डिलीवरी करेंगे फॉर प्री डिफाइंड सोशल आउटकम्स अब पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट ने उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है विथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कि इंडिया को जो है इंडिया आ, इंडिया आ, इंडिया में कि वो जो है को क्रिएट करेंगे इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड तो इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्रिएट करेंगे अब व्हाट इज़ नाबार्ड नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं तो नाबार्ड जो है वो नाइनटीन एटी में बना बी सिवरमन कमिटी के द्वारा उन्होंने रिकमेंड किया था और थ्रू नाबार्ड एक्ट तो ये हमारा हो गया ऑब्वियसली स्टेटरी बॉडी अब ये क्या करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन जो है आर का वो जो है नाबार्ड को ट्रांसफ़र किया गया और रिफाइनेंसिंग फाइनेंसिंग फंक्शन जो है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का वो भी इनको ट्रांसफर किया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं तो याद रखिएगा कौन

इंस्टीट्यूशन इन रूल एरिया सिंपल मतलब है ये ये डायरेक्ट लोन नहीं देते फार्मर्स को ये किसी एजेंसी के थ्रू जो है लोन प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को रूरल एरियाज में फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फ्लो फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉटेड एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट एंड रूरल क्राफ्ट फिर लोन जो है वो कॉपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को देते हैं और सिमिलर इंस्टीट्यूशन को भी नेक्स्ट आते हैं नॉन क्रेडिट फंक्शन क्या क्या है इनके फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं थ्रू द एफर्ट्स लाइक रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक प्रमोट प्रमोट करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं रूरल इनोवेशन बढ़ाते रूरल इनोवेशन्स की तरफ जाते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी ये नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस है नेक्स्ट आते हैं वॉट आर द इनिशिव टेकन बाय नाबार्ड तो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट तो अराउंड फाइव लाख करोड़ जो है अभी सैंक्शन किया है अंडर द कंट्रीज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फंड जो कि क्रिएट किस किया था नाबार्ड ने फिर वॉटरशेड डेवलपमेंट फंड एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फंड ये एक इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड इंटरवेंशन है वादी मॉडल जो है इसका सिंपल मतलब है कि हमको लाइवलीहुड इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है फॉर द ट्राइबल ट्राइबल एरियाज पॉपुलेशन रीफाइने की बात करें तो लास्ट में नाबार्ड ने रीफाइनेंस किया है रुपीज लाख करोड़ रूरल एरिया में स्ट्रेंथनिंग रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाबार्ड ने सुपरवाइज किया है रूलर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स को भी सो दिस इज ऑल अबाउट नाबार्ड नेक्स्ट आता इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जेंडर इंपैक्ट प्लेटफॉर्म अभी होस्ट किया है उन्होंने इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इंपैक्ट टू वर्ड जस्ट एंड रूजीलियन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम ठीक है अब आई के बारे में आपको पता होना चाहिए तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर इसको पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोला जाता था बट ये 1929 में ये रजिस्टर्ड हुई सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इन इन परसुएंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर फंक्शन की बात करें तो ये एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैनेज रिसर्च एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर आ जाता है उसमें फिशरीज एनिमल सोसाइटीज सब चीज़ें अदर इंफॉमेशन की बात करें तो 113 हंड्रेड थर्टीन आई सी ए आर इंस्टीट्यूट और सेवेंटी फोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के बारे में हमको कंट्री में बता रही हैं और लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड में आती हैं अब रोल क्या है आई सी ए आर का टूवर्ड्स बेटर एंड रिजीलेंट एग्रीकल्चर फूड सिस्टम सबसे पहले क्रॉप वेराइटीज तो ग्रीन रिवॉल पोल्यूशन में जो है आ, की रोल प्ले किया इन्होंने डेवलप जहाँ पे उन्होंने हाई वेरायटी ऑफ क्रॉप्स डेवलप किए फॉर एग्जांपल राइस वेरायटी की अगर बात करें तो जया जो कि फर्स्ट राइस वेराइटी है रिलीज हुई इंडिया में फिर स्वर्णा पूषा बासमती वर्स्ट वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बासमती राइस कौन सा है पूषा बासमती वीट वेराइटीज़ की एच डी टू नाइन सिक्स सेवन फिर डी डी बी डब्ल्यू ए वन एटी सेवन फ्रूट वेराइटीज़ की बात करें तो आम्रपाली हो गया प्रोमोग भगवा हो गया सो क्रॉप वेराइटीज़ जो है इन्होंने बहुत सारे निकाले सीड प्रोग्राम्स की बात करें तो सवल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है जो जहाँ पे हमारा आई ने सीड्स को डिपॉजिट किया है जीनॉमिक्स की बात करें जोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब हम जीन्स वगैरह मैनिपुलेट करके कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको वो करते हैं तो इन्होंने हेल्प की कि नेशनल जीन बैंक स्टेब्लिश करें न्यू डेली में जो कि सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है इन द वर्ल्ड आई ने पार्टनर किया ग्लोबल जीन सिक्वेंसिंग ऑफ राइस वीट टोमेटो एंड पोटैटो और, और इंडिपेंडेंटली सिक्वेंस किया पिजन पी जूट मैंगो और फिशेस के जीन्स को फिर प्रमोटेड क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग तो रेन वाटर हारवेस्टिंग और क्लाइमेट रिजिलियन वेराइटीज सचेज रती एम और पिजन पी ये सारी चीज़ें निकाली फिर बायो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन तो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स लाइक सोलपुर लाल जो कि फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड प्रोमोग्रेनेट वेराइटी है ग्राउंड नट गिरनार फोर एंड फाइव ये सारी चीज़ें निकाली और पूसा डिकम्पोजर डेवलप किया इनसी टू और एक्सटी टू रेसिड्यू डिकम्पोजिशन के लिए जितने भी रेसिड्यू बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंडिया ने पहला क्लोन वेफेलो भी डेवलप किया आ, इन द वर्ल्ड और प्रथम जो था ये वर्ल्ड का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेफेलो काल्फ है ओके अब कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो ये स्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है बहुत सारे डोनर्स की सिविल सोसाइटीज़ हो गए ऑर्गेनाइजेशन हो गए प्राइवेट बिजनेस हो गए उन सब मिलके और इनका ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप फूड सिक्योर फ्यूचर के लिए है और इसमें फाइव एरियाज जैसे कि न्यूट्रिशन हेल्थ फूड सिक्योरिटी पॉवर्टी रिडक्शन लाइवलीहुड एंड जॉब्स जेंडर इक्वालिटी यूथ एंड सोशल इंक्लूजन क्लाइमेट एडेप्टन एंड मिटिगेशन एनवायरमेंट हेल्थ बायोडावर्सिटी सो दीज आर द इम्पैक्ट एरिया ऑफ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च Okay, so this is the end of agriculture. I will start mining and industry tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you. Wait a second.